गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल के लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और न्यूट्रिशन का आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोगों में न्यूट्रिशन के 5 स्टेज होते हैं, 5 फेजेस में कंप्लीट होता है हमारा न्यूट्रिशन। तो पहला जो पार्ट था वो इंजेशन, इंजेशन में हम लोग देखे थे कि खाना कैसे खाते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो हमारा फूड आया, उसके बाद में उसका डाइजेशन। तो डाइजेशन में अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में हमारा, यानी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइमेटिक एक्शन हो करके जो सॉफ्ट एंड इनसॉल्यूबल, ये सॉरी हार्ड एंड इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एंजाइमेटिक रिएक्शन से ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सॉफ्ट एंड सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब उसी के बाद में हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि तो हम लोगों ने अभी जो टॉपिक था उसमें हम लोग यहाँ तक किए हैं कि इंजेशन, और इंजेशन के बाद में डाइजेशन। तो डाइजेशन वाले पार्ट में आप देखो क्या क्या हो जाता है। डाइजेशन में हमने, तो डाइजेशन कहाँ कहाँ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये आया टर्म एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हमेशा याद रखिए माउथ टू एनस, ठीक है। तो पहला डाइजेशन का जो साइट है हमारा वह है माउथ, और माउथ में 3 चीज इंक्लूड होते हैं, टीथ। टीथ का काम क्या है बेटा, तो टीथ का काम है मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी फूड जो हम लोग खाया है लिया है उसको मेस्टिकेट करना, स्मॉल स्मॉल पीस में उसको बांटना, दैट इज दी मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये कल बताया भी हूं। सेकेंड चीज है माउथ के अंदर इंक्लूड होता है टंग। टंग का काम क्या है, तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड के प्रोसेस में हेल्प करना, पहला चीज मेस्टिकेशन ऑफ फूड के प्रोसेस में हेल्प करने के बाद में दूसरा चीज इसमें क्या है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करना, उसके साथ साथ हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड। अब सलाइवा क्या है, तो इसी माउथ में इंक्लूड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है एक केमिकल जिसको कहते हैं सलाइवा। तो ये ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब एक छोटा सा हमारा बॉडी का पार्ट जो हमारे अंदर है, ग्लैंड जो होता है नाम, जब किसी भी सेल टिश्यू या ऑर्गन से, सेल टिश्यू और ऑर्गन से कोई चीज सिक्रीट होता है तो उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, पहली बात हो गया। तो ग्लैंड अगर पूछे कि कोई क्या है भाई, तो ग्लैंड एक टिश्यू है, सेल है या ऑर्गन है जो किसी केमिकल्स यानी बायोकेमिकल चीज को, कंपाउंड को सिक्रीट करेगा। अब वो बायोकेमिकल कंपाउंड या तो हार्मोन हो सकता है या एंजाइम हो सकता है या कुछ भी है, लेकिन कुछ सिक्रीट करेगा, दैट इज द ग्लैंड। तो ग्लैंड किससे बना होता है, वो हमारे बॉडी का सेल टिश्यू या ऑर्गन है। तो हमारे माउथ में एक टिश्यू है जिसका नाम है, या एक छोटा सा पार्ट है, तो जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो सिक्रीट करता है सलाइवा को। तो इसलिए लिखा है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा विच ब्रेक दी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ब्रेक दी स्टार्च। और ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है, कौन, सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ में इतना सारा काम होता है, माउथ में ये 3 चीज इंक्लूड है। उसके बाद जो फूड है बेटा वो पहुंचता है एसोफेगस। अब एसोफेगस में क्या होते हैं, तो जब हम खाना को चबाते हैं यानी मेस्टिकेट करते हैं, तो मेस्टिकेट करने के बाद में आप देखना कि जब हम फूड को स्वेलविंग ऑफ फूड, यानी खाना को निगलना, दैट इज कॉल्ड स्वेलविंग ऑफ फूड,
जब फूड को हम लोग स्वैलो करते हैं तो वो फूड हमारा बोलस लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक स्फेरिकल बोलस स्ट्रक्चर बनता है और उस रूप में वो नीचे यानी कि पार्ट में जाता है, और इसी एसोफेगस को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो यहां पर स्वेलोड फूड दैट इज बोलस नाउ इंटर इनटू नाउ कम्स एट इसोफेगस फ्रॉम माउथ। कहां से? माउथ से कहां आया है? एसोफेगस में आया है। और इस एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहने का मतलब मसल्स में इस तरह से वेव के जैसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होते रहता है, यानी एक हलचल होती है। अब अगर यहाँ पे अगर ये चीज स्थिर है, ठीक है, स्टेशनरी फेज में है, तो यहाँ पे कुछ भी रख दो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसमें हम कहें कि इसमें हलचल हो रही, देखो गिर गया, तो हलचल होने की वजह से यहाँ पर जो एसोफेगस है उसमें हलचल होती रहती है। जो हम लोग खाना को अंदर निकलते हैं तो हलचल होने की वजह से वो फूड नीचे की ओर यानी कि स्टमक में जाता है। तो नाउ अब फूड कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में, ठीक है। पहले माउथ, माउथ से एसोफेगस, तब थर्ड में कहाँ पहुंचा? स्टमक में। तो ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन एसोफेगस फूड इंटर इनटू द स्टमक फ्रॉम एसोफेगस। ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस, ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन, ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन एसोफेगस, ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन एसोफेगस फूड नाउ इंटर्स इनटू स्टमक फ्रॉम फ्रॉम एसोफेगस। कहां से? तो एसोफेगस से पहुंचेगा वो हमारे कहां पर? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में पहुंचेंगे। अब आइए चलिए, तो जब स्टमक में पहुंच गया तो स्टमक हमारा क्या काम करता है? हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं HCl, हाईली एसिडिक, जिसका पीएच होता है 2 to 2.5 तक पीएच होता है। पीएच का मतलब एक स्केल है, तो 7 के नीचे अगर कोई केमिकल का पीएच 7 के नीचे है तो वो एसिडिक, और 7 के ऊपर है तो अल्कलाइन। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो स्टमक सिक्रीट क्या क्या करता है, ऊपर लिखता हूं। स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HCl। तो पहले वो HCl का सिक्रीशन जो हाईली एसिडिक होता है, ये HCl हाईली एसिडिक, तो HCl का सिक्रीशन करेगा। फिर स्टमक से पेप्सिन भी आते हैं, ठीक है, और स्टमक जो HCl का सेक्रेशन किया है, ये HCl इतना एसिडिक होता है कि फूड को एक तरह से कहें तो बहुत सॉफ्टेन पार्ट बनाता है। फूड को पूरा, जब किसी चीज़ पे एसिड डालते हैं तो वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। तो फूड को, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सॉफ्ट बना देगा ताकि एंजाइमेटिक एक्शन से वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सके। उसके बाद में
ये सिक्रीट करता है पेप्सिन को और ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। अब म्यूकस को सिक्रीट क्यों करता है? म्यूकस को वो इसलिए सिक्रीट करता है, अब आप सोचो कि ये इतना हाईली एसिडिक है, इसका पीएच कितना है, यानी इसका अगर हम लोग पीएच की बात करें तो 2 से 2.5 तक पीएच होता है। किसका? एचसीएल का बेटा। अब उसके बाद में आइए यहाँ पर, उसके बाद में हमने क्या बोला, पेप्सिन। तो ये हाईली एसिडिक है और इतना एसिडिक है कि अगर स्टमक म्यूकस का सिक्रीशन नहीं करेगा तो स्टमक के जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगे। तो स्टमक अपने सेल के डैमेजिंग को बचाने के लिए एक म्यूकस का सिक्रीशन करता है, यानी उसके ऊपर म्यूकस का लेयर होता है, जिसके वजह से एचसीएल का एक्शन हमारे स्टमक के सेल के ऊपर नहीं होता है, तो हमारा स्टमक का सेल बच जाता है। तो इसीलिए ये म्यूकस का भी सिक्रेशन करेगा। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड में क्या था? म्यूकस। ओके, म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट, म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑन सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी अपने ही HCl के सिक्रेशन से अपने स्टमक वॉल के डैमेजिंग को रोकने के लिए वो म्यूकस को सिक्रेट करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हो गई स्टमक की। अब हमारा जो फूड है वो स्टमक से पहुंचेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जब फूड पहुंचता है तो वो मिक्स होता है तीन चीजों से। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्टमक के बाद में फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए यहां पर, तो स्टमक तक में हमारा जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, अभी फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आप सोचेंगे नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट है ये। इसका डायमीटर छोटा होता है लेकिन ये लेंथ में बहुत बड़ा होता है। ये इट इज अबाउट 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी 6.5 मीटर लॉन्ग। सोचिए 6.5 मीटर का हमारे बॉडी में कॉइल किया हुआ ये स्ट्रक्चर है, 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन, एक एडल्ट मैन में ये 6.5 मीटर लंबा होता है। ओके, एंड
ड्यू टू नैरो डायमीटर इट इज कॉल्ड ए स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या है, तो ये काफी नैरो होता है, डायमीटर इसका काफी नैरो होगा, इसलिए यह स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज का सेक्रेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर जो है वो बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस ये दोनों आकर के मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आइए, तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर इज ए लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड। लीवर जो है वो एक लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। अब लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है तो ये सिक्रीट करता है किस चीज को, ये सिक्रीट करता है, लीवर जो है एक लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है जो सिक्रीट करेगा मिक्स्ड ग्लैंड विच सिक्रीट, ये क्या चीज को सिक्रीट करेगा, तो लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। अब बाइल जूस में, बाइल जूस जो है वो मिक्सचर है किस किस चीज का, बाइल जूस इज द मिक्सचर ऑफ बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट। तो बाइल जूस इज मिक्सचर ऑफ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, ठीक है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट का ये मिक्सचर है। अब ये बाइल जूस काम क्या करता है, एंड नाउ बाइल जूस इंटर इनटू या सिक्रेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस सिक्रेट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द प्राइमरी वर्क ऑफ bile juice is primary work of bile is emulsification of fat, यानी ये fat को emulsified करता है। fat होते क्या है, fat जो है वो water insoluble compound है और इसको कोई एंजाइम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो इस फैट को, लार्ज मॉलिक्यूल को पहले इमल्सिफाइड करना पड़ता है और उसको इमल्सिफाइड करने के लिए जो लीवर है वो बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन करता है, वही बाइल सॉल्ट जाकर के उसको इमल्सिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर वही दे रहा हूँ मैं कि प्राइमरी वर्क ऑफ बाइल इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के ग्लोब्यूल्स को या मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का काम सबसे पहले बाइल से होता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये बाइल उस फैट को इमल्सिफाइड कर देगा, अगर ये बाइल जूस नहीं रहे तो बाइल जूस अगर नहीं होगा तो कभी भी फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है हमारे बॉडी में, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा चीज क्या है, ये जो बाइल है, बाइल इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अब आप सोचो इसको अल्कलाइन क्यों होना पड़ा, क्योंकि बाइल जो है वो अल्कलाइन अगर नहीं होगा तो स्टमक से जो फूड आया है वो कैसा है, हाईली एसिडिक है। अब एसिडिक फूड को अगर अल्कलाइन से रिएक्शन कराएं तो वो नॉर्मलाइज होगा, यानी उसका पीएच थोड़ा नॉर्मल आएगा। ऑलरेडी जो स्टमक में HCl आया था उसका पीएच कितना था, 2 to 2.5, 2 से 2.5, हाईली एसिडिक।
अब एसिडिटी को कम करने के लिए यहाँ पे दूसरा जो सिक्रीशन है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का है, यानी 7 to 7.5 तक रहता है। एक्चुअल में जब ये रिलीज होता है बाइल लीवर से तो ये 8 to 8.5 रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर में जाके थोड़ा कंसंट्रेटेड होगा और थोड़ा सा इसका अल्कलिनिटी कम होगी और देन आफ्टर ये इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो हाईली एसिडिक फूड हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, अब उसके ऊपर ये जो बाइल जूस है वो आकर के जब एक्शन करेगा तो एसिडिटी को कम कर देगा। तो द बाइल इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर विच विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज द न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ HCl फ्रॉम स्टमक। HCl कहाँ से आया था? स्टमक से। तो जो हाईली एसिडिटी ऑफ HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बाइल का ये दूसरा काम हो गया। अब आइए सेकेंड में बी में चलते हैं, पैनक्रियाज। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले लीवर का एक्शन देख लिया, अब आइए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाज एक छोटा सा लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होता है। लीफ यानी प्लांट का जो लीफ है ना उसके जैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो इट इज स्लाइटली पिंकिश, इट इज पिंकिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर विच सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। अब ये क्या सिक्रेट करेगा? तो ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं? तो पैनक्रियाटिक जूस में वो सारे एंजाइम होंगे जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। विच सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस इन विच कंटेन अमाइलेज, जिसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्चुअल में बोलते हैं, इन विच कंटेन पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सेकेंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, उसी तरह पैनक्रियाटिक लाइपेज। चलो वन बाई वन करके यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इसका फंक्शन यहीं पे ऐसे हो जाएगा। तो पी फॉर पैनक्रियाटिक आप समझ लेना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये काम क्या करता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज के बाद में पैनक्रियाटिक पेप्टिडेज। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, उसके बाद में पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, यानी लिपिड का ब्रेक डाउन करा देगा। तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एक्चुअल में जब आगे जब आप जाएंगे ना तो आपको मिलेगा पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएज, यानी न्यूक्लिक एसिड का भी ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेसन पूरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो वहाँ पे भी देख लेंगे आगे, ये आगे की बात है, अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। तो ये लाइपेज आ गया, यहाँ तक की ये बातें हो गई। अब चलिए लीवर और पैनक्रियाज तो अपना सिक्रेशन करता ही है, उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रेशन करता है कुछ केमिकल का जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशन होते हैं वो भी कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और वो भी हेल्प करते हैं फूड के ब्रेकडाउन में, ठीक है, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट्स intestinal juice
इन विच कंटेन, इसमें बहुत सारे होते हैं। अब देखो ऐसे तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये सब अभी आपको जरूरत नहीं है, इसमें भी बेसिक वही चीज होता है, यानी पेप्टिडेज, कार्बोक्सिलेज और अमाइलेज और लाइपेज, यही सारे चीज होते हैं। तो चूंकि अब ये जो एक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो सबसे ज्यादा जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, इतने सारे एंजाइमेटिक एक्शन होने की वजह से अब वो एकदम कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसको कहते हैं एक्चुअल में लैक्टियल। और ये लैक्टियल जो प्रोसेस है क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इतने सारे एंजाइम आके मिस हो गए, जो सॉलिड फूड आपने लिया था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेमी सॉलिड तो आपके स्टमक में ही हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एकदम पूरी तरह से, जैसे दूध होता है या कोई शेक वगैरह पीते हैं वैसा, क्योंकि इतने सारे एंजाइम आकर के उसमें मिक्स हुए हैं, और सारे चीज को मिक्स होते होते वो सॉफ्टेन पार्ट हो जाएगा, और उसका ब्रेकडाउन होते होते वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस आया है तो ये भी सिक्रीट करता है किसको, तो लाइपेज को। तो लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, उसके बाद प्रोटीएज यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिएज, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज एंड अमाइलेज या कार्बोक्सिलेज। तो कार्बोक्सिलेज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे चीज का ब्रेकडाउन हो गया, एंड नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां पर मेन डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया, तो अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पहुंचेंगे, तो अब आइए इसके बाद में शायद स्मॉल इंटेस्टाइन आपका माउथ एसोफेगस नंबर 2 हुआ, स्टमक नंबर 3 और स्मॉल इंटेस्टाइन 4। अब ये आ जाइए 5th नंबर पे, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जिसका डाइजेशन नहीं हो सका है, वो अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। दी अनडाइजेस्टेड फूड नाउ इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन टू डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की ओर बढ़ेगा, यानी वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वही लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा हमारा एनस तक आएगा, जिसे हम लोग स्टूल के रूप में डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी स्टूल यानी कि वो एलोइस पार्ट। अब वो एलोइस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो पिगमेंट चला था हमारा बाइल जूस लीवर से, उसके आकर के मिक्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वही जो है उसको एलोइस बनाते हैं, और वो इस वजह से वो उसके बैड स्मेल आते हैं,
जिसको हम लोग फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो अनडाइजेस्टेड पार्ट यहाँ पे आ गया, ये काम इसका कंप्लीट। तो चलिए, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो डाइजेशन में आपको इतना ही याद रखना है कि क्या होता है डाइजेशन में, तो एकदम इन शॉर्ट यहां पर लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एग्जांपल के रूप में प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड। अब आप सोचेंगे सर पॉलीसेकेराइड क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ करके कोई चीज बन जाएंगे तो वो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड, ये सभी जो हैं अलग अलग एंजाइमेटिक एक्शन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे अगर प्रोटीन है तो वो टूट करके बन जाएगा एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड अगर है तो वो टूट करके बन जाएगा ग्लूकोज, अगर लिपिड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में या फिर फैटी एसिड में। और किसके किसके मदद से, तो यहाँ पर आ जाएंगे सलाइवा के मदद से, यानी सलाइवा का एक्शन होगा, साथ ही साथ HCL का एक्शन होगा, उसके साथ में पैनक्रियाटिक जूस, उसके बाद में बाइल जूस और उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे काम जब होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। डाइजेशन हो गया, तो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वह एसिमिलेशन का प्रोसेस, यानी डाइजेशन के बाद में आपको क्या है, एसिमिलेशन। तो चलिए फटाफट डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में एसिमिलेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं विलाई या माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, कॉल्ड विलाई, VILLI, ओ सॉरी एसिमिलेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन, इसको एसिमिलेशन मैंने गलती से लिख दिया, ये एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वह एसिमिलेट होगा, तो कहाँ, तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में। Absorb food are assimilated into
ब्लड एंड सप्लाई सप्लाई टू होल बॉडी पार्ट्स सप्लाई टू होल बॉडी पार्ट्स फॉर देयर ब्रेकडाउन टू जेनरेट। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड में मिक्स होकर के हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा और हमारा बॉडी का हर एक सेल उसको ले करके उसको ब्रेक डाउन करके और उसे एनर्जी जनरेट करेगा। तो यही होता है एसिमुलेशन। और एसिमुलेशन के बाद में यानी डाइजेशन, ऐसे डाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अनडाइजेस्टेड फूड रीच एट दी लार्ज इंटेस्टाइन expelling the feces is called ejection और डेफिकेशन कॉल्ड इजेशन और डेफिकेशन। द एग्जिट ऑफ फिशेस इज कंट्रोल बाय द एग्जिट ऑफ फिशेस इज controlled by the anal sphincter कैसे कंट्रोल होता है तो एनल स्पिंक्चर से कंट्रोल होता है। तो ये एजिशन का प्रोसेस। अब एक लास्ट है डेंटल कैरिज। The formation of a small cavity in the teeth the hard outer covering of a tooth edge called enamel। दांत का जो सबसे बाहरी आउटर कवरिंग पार्ट है ये वो है एनामेल। एनामेल इज हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है। 11th में हम लोगों को ये पूरा डिटेल देखना है लेसन इसका। Enamel, dentine,
पल्प कैविटी, कैविटी और ये जिससे फिक्स होता है ये हो गया गम, और इसके अंदर ये बहुत सारे नर्व जो होते हैं वह पहुंचे होते हैं, इसीलिए टीथ में जब पेन होता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर रफ बना करके ये काम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वह है हमारा पार्ट, वह है रेस्पायरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को अब कंप्लीट करेंगे, यानी एनिमल न्यूट्रिशन के प्रोसेस ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन, जिसमें देखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ कैसे ये ब्रेकडाउन होकर के हमें एटीपी यानी एनर्जी को जनरेट कराते हैं। ओके, थैंक यू।